हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सौंदर्य सराहना से संबंधित प्रश्न। इसमें आज हम उद्धव तुम हो अति बड़भागी इस पैराग्राफ के सौंदर्य सराहना के प्रश्न कर रहे हैं। इसमें पहला हमारा प्रश्न आ रहा है कि कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है। इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि ने ब्रज भाषा का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। सेकेंड हमारा प्रश्न है, कवि ने किन शब्दों का समन्वित प्रयोग किया है। इसका उत्तर है, कवि ने तत्सम और तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है, किस शब्द शक्ति का प्रयोग गोपियों के माध्यम से किया गया है। इसका उत्तर है, आप ये प्रश्न लिख करके भी याद कर सकते हैं। इसका उत्तर है, गोपियों ने व्यंजना का प्रयोग किया है। कृष्ण और उद्धव पर मार्मिक और चुभता हुआ व्यंग्य किया है, व्यंजना यानी व्यंग्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कवि ने किसकी सुंदर व्याख्या करने की चेष्टा की है। इसका उत्तर है, नीति की सुंदर व्याख्या करने की सफल चेष्टा की गई है। प्रश्न है, किस काव्य गुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर काव्य गुण जो है वो है माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न आता है, स्वर मैत्री का प्रयोग क्यों किया गया है। स्वर मैत्री का प्रयोग लयात्मकता की दृष्टि से किया गया है। प्रश्न आता है, किन्हीं दो तद्भव शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर जोग और धर्म दो तद्भव शब्द हैं, एक तो जोग और दूसरा धर्म। प्रश्न है, किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। नीति शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, किसी एक मुहावरे को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हृदय चुराना जो है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, पद में से अलंकार चुनकर के लिखिए। यहाँ पर हरि हैं, इसमें बड़ी बुद्धि जानी जो, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, जो प्रजा ने जाही सताए, बात कहत समाचार सब, वक्रोक्ति अलंकार जो है हरि है राजनीति पढ़ियाए। यहाँ पर हरि है राजनीति पढ़ियाए इस वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग है। बड़ी बुद्धि जानी जो, उनकी जोग संदेश पठाए, और समुझ बात कहत मधु।